तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देखा और पढ़ा ही होगा, तो आज हम करने वाले हैं TVS राइडर का रिव्यू। रिव्यू किस बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमारी जो बाइक है वो अप्रॉक्स 4787 मतलब कहना चाहिए 5000 किलोमीटर हमारी बाइक लगभग पूरी चल चुकी है, जिसमें 300 किलोमीटर बाकी है। तो इस 5000 किलोमीटर का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रहा हूँ कि इसमें हमारे भाई ने, क्योंकि मैं ज़्यादा चलाता हूँ नहीं, चलाता मेरा छोटा भाई है, बट इसमें उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, और इस 5000 किलोमीटर में क्या एक बिग प्रॉब्लम आई थी। क्योंकि जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने पहले की जो वीडियो देखी होंगे, तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों को एक बिग प्रॉब्लम के बारे में बताना है। तो आज इस बिग प्रॉब्लम का खुलासा मैं आप लोगों के सामने करूँगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तब तक आप एक छोटा सा एक इंट्रो देखिए, फिर मिलते हैं आप। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने हेडलैम्प की। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया था कि मैंने कटनी से प्रयागराज अप्रॉक्स 600 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस कवर किया था, उसमें हेडलैम्प का क्या क्या प्रॉब्लम इशू आया था, मैंने सब कुछ उसमें शेयर किया है। जिस भी भाई ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर ज़रूर उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है इसका हेडलैम्प का, हेडलैम्प के बारे में मैंने बताया। सेकेंड प्रॉब्लम की हम बात करें तो जो इसका इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें करता है, और ये आपने कई लोगों की वीडियो में देखा होगा, जो गियर शिफ्टिंग वाला सिस्टम है, जैसे ही हम चौथा गियर डालते हैं तो जो 4 बनता है वो 4-4 ना बन के वो सीधे डिजिटली 8 बन जाता है, और 5 में भी ये दिक्कत जाती है। मतलब 4 और 5 नंबर का जो गियर होता है उसमें जो उसका इंडिकेशन है वो सीधा कुछ देर के लिए, कहना चाहिए कुछ सेकंड के लिए, वो सीधा आपको डिजिटली 8 दिखाने लगता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें मैंने देखा है, और जो फ्यूल इंगेज वाला सिस्टम है वो जो फ्यूल जब बंद होता है मतलब ख़त्म होने लगता है, तो उसका भी इंडिकेशन है वो काफ़ी लेट देता है। जब आपकी बाइक में करीब 1 लीटर से भी कम तेल बचता है उसके बाद ये थोड़ा सा इसका इंडिकेशन चालू होता है, तो थोड़ा सा दिक्कतें इसमें ये देखने को मिली हैं। और जो कनेक्टिविटी के साथ TVS ने इस बाइक को उतारा था वो कनेक्टिविटी अभी तक इसमें प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो जो भी भाई कनेक्टिविटी देखकर अगर देख ले रहा है कि इसमें कनेक्टिविटी आपको देखने मिल जाएगी, वो सब अभी कुछ भी नहीं है। बाइक पूरी जीरो है, जैसी आती हैं वैसी ही बाइक हैं। सारी बाइक के कंपेयर में जैसे SP125 है और साथ में अपना देखना चाहिए 125 के सेगमेंट में और जो भी बाइक हैं, तो इन दोनों बाइक में कहना चाहिए कंपेयर जो है हमारा उसमें कुछ डिफरेंट कंपेयर नहीं है, कुछ अलग नहीं देखने को मिलेगा। सिस्टम सब कुछ सेम है, बस इसमें थोड़े से फीचर्स ज़्यादा कर दिए गए हैं, और आई होप जल्दी ये फीचर्स लॉन्च हो जाएंगे। लॉन्च होने के बाद आपको आपकी बाइक में भी इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगा। फिर हम थर्ड इशू की बात करते हैं, तो जिसका टैंक है, जैसे कि बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, लाइट वेटेड होने की वजह से आपको इसमें स्पीड अच्छी मिल जाती है, बट स्पीड के साथ साथ इसमें थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान देना चाहिए था TVS वालों को, क्योंकि ये बाइक जो है इसका टैंक इतना कमज़ोर है कि अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है तो टैंक सबसे पहले जाने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये इसका थर्ड प्रॉब्लम। फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की यदि बात कर ले या डिसएडवांटेज की बात कर ले, जो इसका गियर शिफ्टिंग वाला लीवर है वो कुछ ही समय में इतना ज़्यादा आवाज़ करने लगा है, एकदम ढीला सा हो गया है। तो यूँ कहूँगा कि जो गियर शिफ्टिंग की जो इसने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया है ना, जैसे हर बाइक्स में आता है, तो वो काफ़ी बढ़िया था देखने में लुक वाइज, बट इसमें दिक्कतें इस बात की हैं कि वो जो बनाया गया है लीवर को प्रॉपर ना बना के इन्होंने ऐसा कुछ बना दिया है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगी हैं, तो यही मेरे को थोड़ा सा इसमें पसंद नहीं आया। फिर हम बात करते हैं अपने इस बिग प्रॉब्लम के बारे में। तो बिग प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अभी हाल फिलहाल में मेरी बाइक एजेंसी में जाके खड़ी हो गई थी। रीज़न क्या था, जो उसका O2 सेंसर होता है, O2 सेंसर यदि आपको पता हो तो मैं दिखा दूंगा कि O2 सेंसर जो होता है वो नीचे की ओर होता है, तो O2 सेंसर इसका ख़राब हो गया था जब हमने प्रयागराज की राइड की थी। उसके बाद से ही 2 दिन बाइक चली होगी, उसके बाद बाइक ऑटोमेटिक झटका दे के बंद होने लगी। अब बंद किस बेस पे होने लगी और झटका क्यों दे रही थी, जैसे हमको ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम भी एक झटके लेते हैं और फिर उसके बाद सीधा ऊपर की ओर निकल लेते हैं टिकट कटा के, वैसे ही कुछ सिस्टम हमारी इस बाइक के साथ भी था कि इसमें प्रॉपर O2 सेंसर काम नहीं कर रहा था। O2 सेंसर इस वजह से
इस बाइक को थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम आ रही थी और झटका दे रही थी, और ऐसा हुआ कि एकदम से बाइक बंद हो गई। बंद होने के बाद जो सिस्टम हुआ वो ये सिस्टम हुआ कि बाइक चालू ही नहीं हो रही थी। जैसे तैसे हमने इस बाइक को चालू किया, बाइक को चालू करके हम एजेंसी पहुँचे और एजेंसी में खड़े करे। उसके बाद जो हुआ ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा लफड़े हुए और वो कह रहे थे ओटू सेंसर अभी है नहीं, आपको महीने भर डेढ़ महीने, वो तो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपना शहर था अपनी वजनदारी से अपन ने लगवा लिए नई गाड़ी का खोल के। तो बात ये होती है कि इतने कम समय में और इतना कम चलने के बाद ओटू सेंसर ख़राब होने का कोई रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि BS6 मैं भी ओन करता हूँ, क्लासिक 350, हमारे साथ हमारे ग्रुप में इंटरसेप्टर 650, बहुत सी ऐसी बाइक्स हैं जिनमें ओटू सेंसर लगा हुआ है, तो उनका अभी तक कोई इशू नहीं आया है। मेरी बाइक ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है, उसमें भी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं। बस इसमें 5,000 के पहले ही, क्योंकि 300 किलोमीटर बचे हैं 5,000 के, उसके पहले ही इसमें ये इशू देखने को मिल गया है। तो ओटू सेंसर इसमें बिग प्रॉब्लम आई थी। फिर हम नेक्स्ट छोटी छोटी प्रॉब्लम जो और है उनको देखते हैं। तो जैसा कि इसमें आपको किक देखने को नहीं मिलेगा, किक ना होने की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कहते हैं कि ठंड के समय में अक्सर बाइक को किक स्टार्ट करना चाहिए, जो भी छोटी बाइक्स होती हैं, जो बड़ी बाइक्स होती हैं उनकी बैटरी भी हैवी होती है, जिस वजह से वो एक ही कहना चाहिए सेल्फ देने में चालू हो जाती है। बट ये जो बाइक्स होती हैं इनमें बैटरी थोड़ा कम पावर की रहती है, इस वजह से सब लोग कहते हैं जब भी बाइक चालू करना चाहिए फर्स्ट स्टार्ट किक से ही होना चाहिए। अब किक नहीं है तो क्या कर सकते हैं, आप बाइक को कोल्ड स्टार्ट जरूर करें, चालू करने के बाद अपनी बाइक को कुछ सेकेंड के लिए छोड़ दें, ऑटोमेटिक जब वो गर्म हो जाती है तो आवाज़ चेंज हो जाती, चाहे वो छोटी बाइक्स हो चाहे वो बड़ी बाइक्स हो। होती है अभी तो ये नहीं है, तो फर्स्ट सेल्फ में चालू हो जाती है। कुछ समय के बाद जब हमारा कहना चाहिए बाइक पुराना होगा, तो पुराना होने में क्या दिक्कत होगी कि बाइक की जो बैटरी है वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस कम करती जाएगी। तो किक ना होने की वजह से सेल्फ कभी काम नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे, कैसे चालू करेंगे, तो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता के जाता हूँ इस वीडियो में। या तो आप अपनी बाइक को जो सेकेंड गियर है उसमें चालू करें, या तो अपनी बाइक को फोर्थ गियर में चालू करें। सेकेंड गियर में डाल के पीछे से हल्का सा किसी से आप धक्का दिलवाइए, बाइक आपकी चालू हो जाएगी, और फोर्थ गियर में डाल के आप अपनी बाइक को किसी से पीछे से धक्का मरवाइए तो भी आपकी बाइक चालू हो जाएगी। प्रॉब्लम की बात कर लें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका जो हॉर्न है वो हॉर्न मेरे को काफ़ी स्लो लगा, क्योंकि जब आप भीड़ पे होते हैं या हाईवे पे जब आप सफ़र करते हैं, तो मैंने ये किया है इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने मन से बातें नहीं बता रहा हूँ, मैंने राइड भी किया है इसमें, बता रहा हूँ बार बार कि मैं प्रयागराज तक इस पर खुद ही चला के गया था, तो जिस वजह से मैं बता रहा हूँ कि जैसे इसका आप हॉर्न सुनिए पहले, तो ये जो हॉर्न है काफ़ी कम है, जब ये खुले जगह पे कम लग रहा है, तो जब हम हाईवे पे होते हैं जहाँ पे ट्रक के और कार्स के बड़े बड़े हॉर्न होते हैं वहाँ पे काफ़ी कम समझ में आता है और लोगों को सुनाई भी नहीं देता है। अब आप बोलेंगे कि इसमें हम एक्स्ट्रा हॉर्न लगवा सकते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये BS6 है। आप कुछ भी करते हैं, क्योंकि हमारा एक पर्सनल यहाँ पे मैकेनिक भी है, जो हम उनके पास गए थे तो हॉर्न लगवाने के लिए, उनने बोला कि हम लगा तो देंगे बट दिक्कत ये है कि ये पूरी BS6 है, उसमें किसी भी वायरिंग में भी हम छेड़छाड़ करते हैं तो अगर एक भी वायरिंग फॉल्ट होती है तो सीधी आपकी बाइक का इंजन ही बंद हो जाएगा और इंजन चालू ही नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा किट सिस्टम बेस्ड गाड़ी है। इस वजह से उसने ये प्रॉब्लम बताई, बोला जैसी है आप उसको वैसे ही रखिए, वरना हम तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने वाले थे। तो आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन इस बाइक में मत करिएगा। फिर हम कहेंगे ग्राफिक्स के बारे में, तो ग्राफिक्स से रिलेटेड आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे मेरी ये बाइक में बने हुए हैं। कई लोगों ने मेरे को कमेंट किया है कि आप ग्राफिक्स के बेस्ड पर एक वीडियो बनाकर दीजिए, तो मैं आपको जल्दी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको वही प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आप क्या क्या मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। एक प्रॉब्लम और बताना चाहूँगा, वो प्रॉब्लम है कि जो हमारी बाइक है उसका जो चेन स्पॉकेट है, चेन स्पॉकेट खुला होने की वजह से दो डस्ट वाले इलाके में लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि हमारी एक बाइक ऐसी है कि हर जगह सफ़र करती है, चाहे वो हाईवे की बात हो, चाहे वो सिटी की बात हो, चाहे वो गांव की कच्ची सड़कों की बात हो, बट हमारी जो बाइक है वो सर्वे लाइन पे ज़्यादा रहती है। इस वजह से इसमें काफ़ी जगह पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि धूल की वजह से जो चेन स्पॉकेट है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। हमको तो हर तीसरे दिन में ही इस बाइक की चेन को क्लीन करना पड़ता है, तो बाइक की जो चेन है वो ओपन होने की वजह से एक इशू ये भी है।
होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में से शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो। तो यहीं पे करेंगे अपने वीडियो का एंड। दिस इज मी एम्पियर बाइकर शाइनिंग ऑफ।